बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपस्थिति सहित मिड डे मील योजना के कुशल संचालन, स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति परखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रेरणा ऐप बनाया गया है, जिसकी लॉन्चिंग शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को लखनऊ से की जाएगी। इस ऐप से संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि प्रेरणा ऐप के माध्यम से प्राथमिक स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति के साथ मिड डे मील योजना के तहत मिलने वाले मध्याह्न भोजन की भी निगरानी की जाएगी। इस ऐप में स्कूल समय के दौरान 3 बार फोटो खींचकर भेजना होगा, जिसमें टीचर सेल्फी भी भेज सकते हैं। प्रेरणा ऐप के संबंध में बीएसए बीएन सिंह ने बताया। सर, एक सच्ची शिक्षा विभाग द्वारा प्रेरणा ऐप जारी की है, इसको लेकर काफी शिक्षकों ने आंदोलन किया है, क्या है? दरअसल प्रेरणा ऐप का उद्देश्य मुख्य रूप से शासन स्तर से ये निर्णय लिया गया है कि अध्यापक समय से उपस्थित हो जाए और वह अपनी उपस्थिति को एक साक्ष्य के रूप में शासन को भेजें। एक ऐप पूरे प्रदेश स्तर पे बनाया गया है और इसको 3 बार ये प्रक्रिया पूरी करनी है कि एक सुबह पहुंचने के बाद अगर कोई लेट हो रहा है तो लेट में भी भेज सकता है, जो जब आ रहा है तब भेजेगा। फिर दूसरा है भोजन, बच्चे एमडीएम में कभी कभी शिकायतें मिलती, खाना नहीं बन रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो उसमें वो बच्चों को खाते समय फ़ोटो ले करके भेजना है और फोटो ऐसे लेना है जैसे पूरे बच्चों का है। अगर नहीं आ पा रहा है, संख्या ज़्यादा है, तो 2 या 3 एक्शन में भी लिया जा सकता है। चौथा है अंतिम आवर में कि फोटो लो और भेजो, और ये प्रक्रिया पारदर्शिता के रूप में बनाई जा रही है। उसी तरह से एक मानव संपदा है जिसमें हमारे टीचरों के का संपूर्ण सेवा पंजिका से लेकर के सब कुछ रहता है, उस पर अवकाश लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। प्रेरणा ऐप में भी अगर कोई अवकाश पे है, कोई मुख्यालय पे है, कोई सरकारी काम से गया है, तो उस पर ऑप्शन है, वो लिख देगा। उसमें बहुत घबराने और बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब शासन की मंशा है तो उसको करना है और बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था है। शासन स्तर से होगी, NIC से शासन स्तर से उस पर काम चला है। 5 सितंबर से पूरे प्रदेश में लागू होना है, 3 जनपदों में लागू हो चुका है, पूरे प्रदेश में है। अगर सॉफ्टवेयर अगर बन गया तो अब उसमें, हाँ, अगर कोई अवकाश पे है, कोई कहीं गया है, कुछ है, जैसे कोई सब 8 बजे से पहले पहुंचा, कोई 8 बजे, कोई किन्हीं कारणों से थोड़ा विलम्ब, तो उसको भेजना है। एक साथ भी भेज सकता है, अलग अलग भी भेजने का विकल्प है उसमें। वो जहाँ जियो ट्रैकिंग है, जहाँ विद्यालय है वहाँ नेटवर्क नहीं है, तो भी जैसे ही वो नेटवर्क में आएगा वो शो होने लगेगा, कहीं से लेकर के फ़ोटो नहीं डाला सकता कि हम यहाँ बैठे हुए यहाँ से फ़ोटो डाल दें। अगर हम अपने कार्यालय का भेज रहे हैं तो यहाँ जियो ट्रैकिंग में ये शो होगा, जैसे ही हम नेटवर्क में आएंगे अपने आप शो होने लगा कि हम कहाँ थे उस समय, समय आ जाएगा।